तो आज की एक और बड़ी खबर है और वो खबर है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठे, जिसे लेकर चुनाव आयोग का ईवीएम चैलेंज शुरू हो चुका है। 14 ईवीएम मशीन्स को चैलेंज किया जाना है, उसके लिए रखा गया है, और अभी तक केवल से 2 पार्टियों के प्रतिनिधि ऐसे हैं जो पहुंचे हैं इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। सीपीएम और एनसीपी ने अभी अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। कई राजनीतिक दल ऐसे थे जो ये सवाल उठा रहे थे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और इसके पीछे राजनीतिक दलों ने ईवीएम को जिम्मेदार बताया था। चुनाव आयोग ने हारे दलों को अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने पर एतराज जताया और ये साफ कह दिया कि ईवीएम हैकिंग प्रूफ है, और उसके बाद भी राजनीतिक दल नहीं माने तो ये चैलेंज इनके सामने रखा गया, जिसमें सिर्फ 2 पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंचे अभी तक।